आज की रेसिपी हमारे एक मिनट में बेक होने वाला एकदम सॉफ्ट कपकेक। इसके लिए लेना है आपको 6 चम्मच दूध, 1 चम्मच विनेगर। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे। डालेंगे शुगर पाउडर, वेजिटेबल ऑयल, वनीला फ्लेवर कर्ड और लिक्विड फूड कलर डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1 चम्मच कोको पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, लास्ट में हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस बैटर को कपकेक के मोल्ड में डालेंगे। इसे हाफ ही फिल करना है, जब ये बेक हो जाएगा तो ये फुल हो जाएगा। सच में ये 1 मिनट में ही बेक होके रेडी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, क्या आपने ट्राई किया ये स्टफ्ड मैंगो कुल्फी? ये सच में बहुत ही टेस्टी है। मैंने इसे पहली बार ट्राई किया और सच में ये पहली बार में ही बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही यम्मी टेस्टी बना था। तो ये मैंगो आइसक्रीम से ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही इजीली घर के चीजों से ही बन गया। बनाने के लिए ना आपको इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत है और ना ही व्हिपिंग क्रीम की। बस आपके घर में दूध बच जाए, आप इसे झटपट बना ले। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस को पसंद आई ये स्टफ्ड मैंगो कुल्फी। मुझे तो बहुत पसंद आई। मैंने शाम को बनाया था और पूरी रात मैंने इसे फ्रीजर में रखा। सुबह मैंने देखा तो ये बिल्कुल रेडी था। लास्ट में क्या करना है कि आपको इसका छिलका निकाल लेना है। इस टाइम ना हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। इसे कट करके प्लेट में निकाले, ड्राई फ्रूट्स डाल के आप इसे एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्मियों के साथ साथ एक और सीजन आता है, वो है मैंगो सीजन। मैंगो की पहली रेसिपी है मैंगो आइसक्रीम। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आती है। फ्रेश क्रीम को अच्छे से फेंट के उसको डबल बना लेंगे। मैंगो को काट के हम अच्छे से इसका प्यूरी बना लेंगे, उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से डालेंगे कंडेंस मिल्क, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे फाइन कट किया हुआ मैंगो। ऐसा कंटेनर लेंगे जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो जाए, जिससे कि हमारे आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल ना पड़े। 6 से 7 घंटे आप इसे फ्रीजर में रखिए, उसके बाद आप आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। तो फेवरेट है आम रस, आम पापड़। आप अपना फेवरेट को मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस मदर्स डे के लिए एक सिंपल सी केक की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके लिए आपको चॉकलेट बिस्किट लेना है। मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट लिया, उसे अच्छे से पाउडर बनाना है। डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 कप दूध, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माइक्रोवेव में 360 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। सिंपल आप इसे प्री हीट करके कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। केक बेक हो जाने के बाद ठंडा हो जाए तो निकाले इसे। ऊपर से डालेंगे चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। में हम इसमें ओरियो बिस्किट के पाउडर से डेकोरेट करेंगे। आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर ले, उसके बाद आप इसे एंजॉय करें। आई होप ये केक की सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। एंड हैप्पी मदर्स डे। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक चॉकलेट सॉस की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही सिंपल सा है। एक पतीले में सिंपल उबला हुआ दूध लेंगे 1.5 कप, उसमें डालेंगे हम चीनी, 1 चम्मच कोको पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे हम मैदा डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, लम्स ना बने। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस को ऑन करना है और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर बिल्कुल चॉकलेटी हो जाएगा, तब गैस को ऑफ कर देना, इसे आप ठंडा कर ले। तो रेडी है आपका टेस्टी चॉकलेट सॉस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी तरह खाने के साथ अचार खाने की शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है मिक्स अचार की रेसिपी। नींबू, गाजर, मिर्च को काट के आप इसे 2 घंटे के लिए धूप में रखें। तब तक हमारे वेजेस विटामिन डी ले रहे हैं। हम यहाँ मसाले तैयार करेंगे। मसाले में हम डालेंगे सरसों, कलौंजी, काली मिर्च और थोड़ा सा मेथी दाना। इसे हल्का सा गर्म करके आप इसे ठंडा करके फिर पीसें। इसे हम कटोरी में निकाल के इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। डालेंगे हल्दी, मिर्च, नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करके ठंडा करेंगे, फिर उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 3 घंटे धूप में रहने के बाद आप इसे इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मसालों में मिक्स कर ले। अमचूर पाउडर, नींबू डाल के अच्छे से मिक्स करके आप इसे जार में भरे। 2 दिन आप इसे धूप में रखें, उसके बाद आप इसे खाएं। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप टूटी फ्रूटी बाहर से लेके आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें।
जब आप वाटरमेलन खाते हैं बस वहीं से आपकी ये रेसिपी शुरू होगी। आपको वो इसका छिलका फेंकना नहीं है, बल्कि इसी से हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसे वाला टूटी फ्रूटी। छिलका निकालने के बाद हम इसे रफली चॉप करके उबाल लेंगे। उबालने के बाद पानी को ड्रेन कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। और हाँ, एक बात और, चाशनी आपकी ज्यादा मीठी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ये टूटी फ्रूटी की जगह कैंडी बन जाएगी। चाशनी तैयार हो जाए तो इसे डाल के आप गैस को ऑफ कर दे, थोड़ी देर उसमें रहने दे, फिर से ड्रेन कर दे। इसमें डालेंगे अलग अलग फूड कलर। एक दिन आप इसे धूप में रखें, उसके बाद आपका टूटी फ्रूटी बनके रेडी है बिल्कुल वही टेस्ट के साथ। तो अब से ये सस्ता वाला जुगाड़ करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुलाब जामुन, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, वो भी बहुत ही सस्ता वाला गुलाब जामुन, खाने में दुकान वाला टेस्ट है। इसके लिए आपको लेना होगा सूजी, एकदम बारीक पिसा हुआ। एक कप सूजी के लिए 2 कप यहाँ पे हम दूध डालेंगे और लम्स न बने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो तैयार करें। तो ये डो रेडी हो जाए आप उसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर ले थोड़ा सा। इसे डालेंगे बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर। 1 मिनट तक इसे ऐसे मैश करते हुए हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो डो हमारा तैयार हो गया। हम इसे शेप देंगे बॉल या फिर सिलेंडर, जो आपको अच्छा लगे। हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी आपको जितना चीनी उतना पानी लेना है। डालेंगे इलायची पाउडर। मीडियम फ्लेम पे हम सारे गुलाब जामुन को ऐसे फ्राई कर लेंगे। गुलाब जामुन को अच्छे से फ्राई करिएगा क्योंकि ये चाशनी में जाके लाइट कलर हो जाता है। फोल्ड करके फिर चाशनी में डालेंगे। 2 से 3 घंटे के बाद आप इसे निकाल के खा सकते हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि चाय पीने का तो मन ही नहीं करता, तो इसकी जगह मैंने बनाया है ये मटका कुल्फी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। कस्टर्ड पाउडर, बादाम और चीनी का आप एक पाउडर बना ले। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 लीटर फुल फैट दूध को मैंने अच्छे से उबाला, उसके बाद उसमें पाउडर डाल लिया। थोड़ा सा केसर डाल के आप इसे चलाते चलाते गाढ़ा कर ले। गाढ़ा होने के बाद आप इसे अच्छे से ठंडा करें, फिर उसके बाद आप इसी बर्तन में इसे निकाल के जमा सकते हैं। तो अब गर्मी को दूर भगाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पंजी यमी केक मैंने घर की चीजों से बनाया है, तो इसे आप भी बनाएं। 1 कप देसी घी के साथ 1 कप पिसी हुई चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप आटे के साथ 1 चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें गुनगुना दूध डाल के एक बैटर रेडी करेंगे। बैटर आपका बिल्कुल इडली जैसा होना चाहिए, ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा। इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए। अगर आपको गैस पे बेक करना है तो प्री हीट करने के बाद आप इसे 40 से 45 मिनट के लिए बेक करें। इसे डालेंगे हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता डाला है। जब आपका केक बेक हो जाए तो आप उसे थोड़ा ठंडा कर ले, फिर निकालें। ये बहुत ही सॉफ्ट है, टूट जाएगा। ये देखिए बनके रेडी है हमारा बहुत ही यम्मी स्पंजी केक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गर्मियाँ आ गई हैं तो घर में दही होनी ही चाहिए। एक परफेक्ट दही बनाने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। उबले हुए दूध को हल्का सा गर्म करेंगे, इतना कि जितने में आपका हाथ चले भी ना और गर्म रहे दूध। आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं, ना ज्यादा आपका दूध गर्म होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा। दूध उस बर्तन में निकालें जिसमें आपको दही जमाना है। दही डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले। ठंडियों के मौसम में ये 4 घंटे में रेडी होता है और ठंडियों के मौसम में 8 घंटे। दही से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज की रेसिपी हमारी तोरी की सब्जी। अगर आपके घर में किसी को तोरी की सब्जी नहीं पसंद है या आप सिंपल खा खा के बोर हो गए हैं तो एक बार मेरी ये रेसिपी ट्राई करें। सबको पसंद आएगा और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। कि मेरे घर में भी ये सिंपल तोरी की सब्जी कोई पसंद नहीं करता था, मैंने एक बार ट्राई किया ये छोले के साथ, तो सच में ये सबको पसंद आया था और अब तो इसका सब डिमांड करते कि मुझे तो वही वाली सब्जी खानी है। जब तक तोरी का पानी अच्छे से जल नहीं जाए तब तक आप इसमें कोई मसाला नहीं डालिएगा। और चना हम पहले ही डाल देंगे जिससे कि चना अच्छे से पक जाए और नमक हमारा अच्छे से सब्जी को गला दे। ये देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। मुझे कमेंट में बताएं कि आपके घर में कौन सी सब्जी नहीं खाई जाती, मैं उसकी नई रेसिपी लेके आऊंगी।